जिस भी भाषा को कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाइए, और मेरी समय सारी दुनिया में एक कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में शांति होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तक आप लोग मुसलमानों को कुरान पढ़ते हुए देखे होंगे, कहीं ना कहीं आप भी कुरान पढ़े होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूं स्क्रीन पर, जिसमें आप देखिएगा एक हिंदू औरत, इस रिपोर्ट के मुताबिक एक हिंदू औरत किस तरह से मेहनत के साथ कुरान पाक पढ़ रही है। इस वीडियो को देख कर लोग किस तरह शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों का क्या कहना है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग स्क्रीन पर इस औरत की वीडियो देखिए, किस तरह से मेहनत के साथ कुरान पाक पढ़ रही है। देखिए वीडियो। ये वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई लोग शेयर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं यह वीडियो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो दिन रात इस्लाम, मुसलमान, पैगंबर मोहम्मद और कुरान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं। इस वीडियो में एक हिंदू महिला कुरान पढ़ती हुई नज़र आ रही है, ये बताया जा रहा है। लेकिन कमेंट में कुछ लोगों का ये कहना है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको कैसे मालूम है कि यह हिंदू है? सिर्फ इसके पहनावे से। बहुत सी जगह मुस्लिम औरतें भी साड़ी पहनती हैं। मतलब कुछ लोग, कुछ मुस्लिम ये वीडियो देखकर कंफ्यूज हो गए हैं कि ये हिंदू औरत है या मुस्लिम औरत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं कहीं पर मुस्लिम औरतें भी इस तरह के कपड़े पहनती हैं। बहरहाल मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन बताया जा रहा है कि हिंदू औरत है। लेकिन जो भी हो, कुरान पढ़ती हुई नज़र आ रही है, लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहकर वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, एक शंकराचार्य जी हैं, कुरान के बारे में इनका ये कहना है कि कुरान मजीद अगर पूरी दुनिया में फैल जाएगी, पढ़ना शुरू कर देंगे लोग, तो पूरी दुनिया में शांति छा जाएगी। एक हिंदू पंडित का ये कहना है, बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में बता सकते हैं और शांति का मैसेज के रूप में लोगों तक शेयर कर सकते हैं। फिर मैं मिलूँगा किसी दूसरी वीडियो के साथ।